हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन का अचार। देखिए इसमें क्या क्या लिया है हमने। लहसुन, नींबू, ये है धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, जीरा, कलौंजी और बनारसी राई, नमक, हींग, सरसों का तेल। इन सारी चीज़ों से बनेगा ये लहसुन का अचार। और ये नींबू भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी मसाले हैं ये साबुत वाले, जैसे कि धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी, जीरा और ये कलौंजी, इन सबको हल्का सा रोस्ट करके और इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। देखिए सारे साबुत मसाले हमने फ्राई पैन में डाल दिए हैं, अब इसको रोस्ट करना है। चलिए रोस्ट करते हैं। देखिए मसाला हमारा रोस्ट हो गया, अब इसको हम लोग मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। जो हमने मसाला भुना उसको जार में डाल लिया। अब इसमें हम जो हमारी बनारसी राई है ये, इसको बिना भुने ऐसे कच्चा डालेंगे इसमें पीसने के लिए। और सारे मसाले अब हम पीस लेंगे। देखिए फ्राई पैन में हमने तेल डाल दिया है थोड़ा सा। अब ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए हल्का सा, उसके बाद इसमें हम लोग लहसुन डालेंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम ये लहसुन डाल देंगे जो हमने लहसुन छील के रखा है। लहसुन डालने के बाद इसमें हल्दी डालेंगे, हींग डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार, नमक भी स्वाद अनुसार, और इसको फिर चलाएंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसको। मिल गया। अब जो हमने पीस के ये मसाला रखा है भुना पिसा, इन मसाले को डालेंगे, अंदाज से डालेंगे। थोड़ा और पड़ेगा। आप चाहे नींबू डालें या खटाई डालें, कुछ भी डालें। अब नींबू का रस डालेंगे। अगर आप इस विधि से बनाएंगी नींबू का ये लहसुन का अचार तो जल्दी खराब नहीं होगा, सालों साल चलता है ये अचार। बनके तैयार हो गया। इसको जार में डाल दीजिए और धूप में रख दीजिए, अगर धूप है तो, नहीं तो ऐसे भी सही रहेगा ये तो। चलिए इसको जार में डाल लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, प्लीज आप मेरे वीडियो को देखा करिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, कमेंट करें और देखें जरूर इस अचार को, आप बनाएं भी, कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा बना। जरा सा भी अच्छा कहीं लग रहा हो आपको तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। ये देखिए अचार तैयार, थैंक यू।